धर्म में शनिदेव का नाम सुनते ही हर कोई थर थर कांपने लगता है। इसका कारण शनिदेव की ऐसी क्रोध वाली छवि है। इनकी क्रोधित छवि के चलते हर कोई इनसे डरता है। प्रत्येक व्यक्ति को लगता है कि शनिदेव क्रूर देवता है जो हर किसी पर अपना गुस्से का प्रभाव डालते हैं, मगर असल में ऐसा नहीं है। दरअसल शनिदेव न्याय के देवता है। ये हमेशा व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। इसलिए कहा जाता है हर किसी को इनसे डरने की जरूरत नहीं होती। वहीं देश भर में शनिदेव के बहुत मंदिर है जहां वह अपने भक्तों को दर्शन देते हैं, लेकिन यह शनिदेव का मंदिर लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। देखिए भाई साहब, यहाँ पर जो मनोकामनाएं पूरी हो रही है, जिनके पुराने से पुराने दर्द है, कमर का दर्द है, घुटनों का दर्द है, और जो भी यहाँ पर जैसे यहाँ पर यानी कि मानसिक संतुलन जिनका गड़बड़ है उनके प्रति भी, और इसके बाद में यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं उनकी सबसे बड़ी बात यह है भाई साहब कि जो कहावत है भगवान के प्रति कि अंधन को आँख दे तो बांझन को पुत्र है नहीं, कोड़िन को काया, जो है ना कोई भगवान के यहाँ पर वो सब प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो रही है। और हमने ये देखा कि एक दिन एक सज्जन आए, उनके पाँव में जो है एक्सीडेंट से टूट गया था, उन्होंने परकंबा लगाई तो 12 खंबा जाने के बाद वो कहने लगे कि मैं खुद गाड़ी चलाऊं, इतनी यहाँ श्रद्धा है। एक भाई साहब आए, उन्होंने बोला कि मेरी घुटने दुख रहे हैं, उन्होंने ऐसे यहाँ का तेल लगाया भगवान के चरणों में से, और उनके घर वो तेल की शीशी ले गए। मैं अपने घर भी तेल की शीशी ले गया हूँ। हमारे घर में आज ना कोई झंडू बाम लगा रहे हैं हम, ना कोई दर्द का बाम, कुछ भी नहीं। हमें जहाँ दर्द होता हम तेल लगाते हैं जय शनिदेव बोल के, और वो शीशी पिछले 1 महीने से उतने की उतनी भरी है, वो बिल्कुल भी खाली नहीं हो रही। ये सच्ची श्रद्धा और विश्वास। यहाँ पे लगभग हजारों वर्ष पूर्व की बात है, यहाँ पे पास का गाँव है ढुंडलावा। यहाँ पे जैन धर्म और हिंदू धर्म संप्रदाय के काफ़ी लोग रहते थे। यहाँ के बताते हैं कि यहाँ की जो आबादी थी, ज़्यादा संख्या में जो आबादी थी, वो इंदौर और भोपाल में बसियत हो गई है। अब यहाँ पे जो शनि मंदिर का जो आस्था का एक केंद्र बना हुआ है, यहाँ पे से पहले लोग बताते हैं कि जो बैलगाड़ियाँ जाती थी या कोई किसी के वाहन जंगल में फंस जाते थे और उस गाड़ी वाहन का जो तेल यहाँ पे चढ़ाया जाता था, तो उसमें यहाँ पे उनकी आस्था के कारण गाड़ियाँ उनकी निकल भगती थी। और आप यहाँ देख रहे हैं कि हम लगभग आस्था का बहुत केंद्र बना हुआ है और काफ़ी दूर दूर से लोग आ रहे हैं। लगभग एक दिन में शनिवार के दिन लगभग 50,000 की संख्या में लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। और अभी हम देख रहे हैं कि आज भंडारे का आयोजन किया गया है, उनका हाथ में लकवे की शिकायत थी और उन्होंने काफ़ी डॉक्टरों को दिखाया और इलाज भी करवाया। जब वो यहाँ पे आए और उन्होंने तेल चढ़ाया और उनकी आस्था का एक देखिए कि उनका हाथ पूरा ठीक हो गया, और आज वो लाखों खर्च करके यहाँ पे लोगों को भोजन प्रसादी भंडारे के रूप में ग्रहण करवा रहा है। ये है भगवान शनिदेव का प्राचीन स्थान है। यहाँ पे अभी 1.5 महीने से करीब जनता आ रही दर्शन के लिए, और सब कह रहे हैं कि यहाँ पे कुछ ठीक हो रहे हैं, काफ़ी लोगों का विश्वास है और उन्होंने प्रत्यक्ष बताया। और हमारे लाड़कों से 4 लोग आए, वो प्रमाण है यहीं पे, उनका हाथ सुन्न हो गया तो पूरा वो ठीक हुए, एक का पैर बिल्कुल गाड़ी भी बैठ नहीं सकते तो वो ठीक हुए। उन 4 लोगों ने भंडारा करवाया, उसमें समिति वाले ने भी सहयोग करा पूरा और सभी ने करा। और यहाँ पे कोई ऐसा अंधविश्वास नहीं, कोई कह रहे बोले पत्थर बाहर से निकला, ये प्राचीन हजारों साल पहले से यहाँ पे स्थापित है। और सभी भक्तों से निवेदन है कृपया यहाँ दर्शन करने आए, किसी अंधविश्वास में नहीं रहे। सीहोर से नितेश वर्मा की रिपोर्ट।